नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में, उसका जो परिणाम है वो परिणाम आपके राशि पर मतलब वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से होने वाला है, वह शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर गुरु कुंभ राशि में जो भ्रमण करेगा उसका असर या फिर उसका परिणाम किस प्रकार से होगा, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि पर होने वाला परिणाम। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो गुरु ग्रह, यह गुरु ग्रह आपके राशि के लिए मतलब वृश्चिक राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपका द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है। तो गुरु का जो भ्रमण होगा वो आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा और वह आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों भी तरीके से फलदायी होगा। तो दिनांक 6 अप्रैल को यह जो गुरु है, यह गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप कोई नया अगर घर लेना चाहते हो या फिर घर में अगर कोई और जो चीज़ें हैं वो अगर लेना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो कालावधि है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। घर के जो लोग होंगे उनमें और आप में काफ़ी अच्छी हारमोनी भी देखी जाएगी। उसी प्रकार यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप एलर्जिक हो या फिर किसी व्याधि से त्रस्त हो तो उसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आपको हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड लाभ मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर ऐसे भी लाभ जिसके बारे में आपने काम तो किया था लेकिन लाभ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, तो उस प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन-लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद वगैरह भी मिल सकती है। उसी प्रकार यह जो गुरुग्रह, यह गुरुग्रह सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है, तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम के अच्छे अप्रिसिएशन हो जाएगी, आपको नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते हैं, आपके काम की वाह वाह भी हो सकती है। अगर आप बदली चाहते हो, स्थित्यंतर चाहते हो काम के बारे में, तो वो भी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यह जो गुरुग्रह, यह गुरुग्रह नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर चौंकना रहना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए क्या होता है कि कई दफ़ा हमें पैसे चाहिए होते हैं लोन के रूप से, तो जो ऋण है वो आपको यह गुरुग्रह का जो भ्रमण है वो दिला देगा, लेकिन जो ऋण है वो आपको किस तरह से चुकाना है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके संदर्भ में जो टाइम टेबल है वो आपके पास तैयार रहना होगा, क्योंकि ऋण तो अगर आप लेते हो और चुका नहीं पाओगे, डिफॉल्ट करते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो वो आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण है या गुरु का भ्रमण आपके राशि के लिए मतलब वृश्चिक राशि के लिए सम्मिश्र फलदायी होगा, और यह जो गुरुग्रह 6 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर यह करीबन 14 सितंबर तक रहेगा। लेकिन 6 अप्रैल से लेकर करीबन 20 जून तक का जो समय है उसमें यह आपके चतुर्थ भाव में मार्गस्थ रहेगा, और 21 अप्रैल से लेकर करीबन 14 सितंबर तक ये आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में चलेगा। तो ये मार्गी और वक्री अवस्था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी मैंने इसके जो भ्रमण के जो शुभ परिणाम बताए उसके अनुभव आपको करीबन 6 अप्रैल से लेकर 20 जून तक आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो शुभ परिणाम है उसमें तो कटौती होगी ही, लेकिन जो अशुभ परिणाम मैंने बताए इसमें बढ़ोतरी भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का जो गुरु का जो भ्रमण हो रहा है कुंभ राशि में, उसके मिलने वाले परिणाम। आपको ये चर्चा किस प्रकार से लगी, आपका अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करना। धन्यवाद।